अगर वो आपको आपकी एज दिखाता है ना, ओ तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, नाउ यू आर अगली लुकिंग अगली, ये वो कुछ भी बोलता है ना, उसकी बकवास पे ध्यान मत दो। खड़े होके कहो, प्रभु ने आदम के लिए हवा रखी थी ना, नहीं रखी थी? प्रभु ने इसहाक के लिए रिबेका रखी थी ना, उसने मेरे लिए भी अच्छा रखा है। आप बिलीव करेंगे, मैं इन दिनों में ऐसे लोगों से मिला जो 8-8 साल से मसीह में हैं, और जानते हो मुझसे क्या दुआ करवाने आए, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है। हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है। जादू? हाँ, कौन सा जादू? अरे जादू कर रहा है कोई, आपको कैसे पता चला जादू कर रहा है कोई? ओ हमको पता नहीं कहा होवत है, एक बहन ने मुझे जादू, उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत दी, कुवत दी, जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को चिलाओ, तुम्हें सेहत में मिला है तुम उसे सेहत में दो। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। जादू, जादू तो ना हम पे असर करेगा। अरे घर के बाहर कोई नींबू रख के जाए, उसको फेंको मत, उसको काटो, पानी में डाल के पियो। मुझे एक बहन ने कहा दिल्ली में, ओ हमारे घर पे कोई जादू लेके वो नींबू देके जाता है। मैंने कहा बहन उसको बोल हमारे घर पे भी रख के जा, 10 रुपए खाली 12 मिल रहे हैं इन दिनों में। जादू, जादू असर करेगा हम पे? याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, हम पर कोई जादू कोई ना नहीं कर सकता। बाइबल बताती है तुम्हें खड्डे में खिराने वाले से पहले वो स्वयं खड्डों में गिरेंगे। ओ ब्रदर एक आदमी है मेरा, बड़ा दुश्मन है मेरे लिए, ये लिखता है मेरे लिए, वो लिखता है मेरे लिए, ये करता है मेरे लिए, वो करता है। अभी इन दिनों में मैंने देखा उसने मेरे लिए रिवॉल्वर लेके रखी है, उसने तुम्हारे लिए लेके रखी है। कलाम में ये भी लिखा है जितने हथियार हमारे विरोध में बनाए जाएंगे खुदा उन सारे हथियारों को नाश कर देगा। मैं आपको सच बताता हूं, ये मेरा पर्स है, आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु को ही कहा था मैं इसे नहीं लूंगा। प्रभु ने कहा क्यों? मेरे पास तो पैसे होते ही नहीं, खाली विजिटिंग कार्ड्स पड़े रहते, मैं नहीं लूंगा। जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा, इसे रख पैसे आएंगे। सालों तक नहीं आए थे, खाली पर्स लेके मैं निकलता था, 35-35 विजिटिंग कार्ड्स पड़े रहते थे, एक रुप चिल्लर के सिवा कुछ नहीं होता था। मैं प्रभु को बोलता था मैं इसको लेके जाके करूं क्या, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं 10-15 रुपए, मैं यहां पर डाल के लेके जाता हूं, इसको उठा के फायदा क्या, पैसे हैं कहां पर मेरे पास, विजिटिंग कार्ड्स हैं इसमें खाली, मैं आज के बाद इसे नहीं उठाऊंगा। और मुझे आज भी याद है मुझे प्रभु हर दिन कहता था इसे रख पैसे आएंगे। उसने मुझे विश्वास से जीना सिखा, लिव बाय फेथ। परमेश्वर मेरा गवाह है, मेरे 5.5 साल तक खाली पर्स लेके घूमता था मैं। मेरे दोस्त कहते थे हम रिजॉर्ट जाते हैं, चल रहा है, मैं बोलता था नहीं, क्यों, मुझे काम है, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं बोलता था तुम जाओ। मेरे रिश्तेदार सामने से आके मिलते थे ना मुझसे, मैं भाग जाता था कहीं किसी बड़े को चाय में पिलानी पड़े, पैसे नहीं होते थे। और मैं घर पे आके निराश होके, आपको मैं सच कहता हूं जितनी मैंने खुदा से दुआएं की है ना मैंने उतनी लड़ाइयां भी की है उससे। मैं कभी नहीं घबराता उससे, मैं कभी नहीं शर्माता उससे लड़ने, बाप है वो मेरा, प्यार उससे करता हूं तो गुस्सा भी उस पर ही निकालता हूं।
कई बार उसको बोलता था क्या लेके करूं, कुछ है ही नहीं इसमें, जैसे मैं ऐसे फेंक रहा हूं ना रूटली, मैं ऐसे पर्स को फेंकता था कि क्या उठा के चलूं, बेइज्जती हो गई मेरी आज। और मुझे एक ही बात कहना था, रख आएंगे पैसे। कुछ कुछ समय वो लाल समुंदर को दो भाग कर देता है और कहता है चलो काम हो गया है, लेकिन कई कई बार वो लाल समुंदर दो भाग नहीं करता है, वो वेट करता है दरियाए यर्दन पर पैर डले तो दो भाग करूं। कई बार वो दया से चलवाता है पर कई बार वो कहता है बस आगे बढ़ता रहे। Live by faith। आपने देखा लाल समुंदर दो भाग हुआ फिर वो चले, दरियाए यर्दन तब दो भाग हुई जब उन्होंने पैर डाला, जब याजकों के पैर यर्दन में गए तब यर्दन दो भाग हो गए। पहले के दिनों में दया थी, अब वो विश्वास से जीना सिखा रहा है। लर्न टू फाइट। वी आर नॉट वॉरियर्स, वी आर वॉरियर्स। ये तकलीफें हमें हराएंगी। मुझे आज भी याद है, आज भी याद है, ये लास्ट चीज है, मैं इसके बाद बंद कर दूंगा। किसी ने, किसी भाई ने कुछ समय पहले मुझे बहुत हर्ट किया था। शैतान ने उसके प्रति मेरे अंदर इतनी नफरत भरने की कोशिश की, इतनी कोशिश की, देख तेरे साथ इसने ऐसा किया, देख तेरे लिए इसने ऐसा बोला। मैंने लास्ट तक एक ही वचन कन्फेस किया, मैंने कहा खुदा चाहे कैसा भी है भाई है मेरा, मैं अपने हाथ से नफरत नहीं कर सकता। अगर मेरा हाथ अगर बीमार होता है तो मेरा दूसरा हाथ अपने हाथ में ट्यूब लेकर इसे लगाता है कि जल्दी काम करना है, जल्दी ठीक हो जा, ये हाथ इसे काटता नहीं है। मुझे पता है मैंने नफरत से बचने के लिए कितने वचन कन्फेस किए, मैंने शैतान को कहा नहीं, हम दोनों एक ही बदन का हिस्सा है, हम नफरत नहीं कर सकते, भले वो कैसा भी एटीट्यूड रखे मेरे लिए, मैं उससे नफरत नहीं करूंगा। और मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं परमेश्वर ने मुझे जय दी, परमेश्वर ने मुझे भी जय दी। लर्न टू फाइट। अपने मुंह से वचन बोलना सीखिए। जब शैतान यीशु के सामने आता है तब शैतान यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बन जाए, यीशु मसीह को ये नहीं कहता है भाग यहां से परेशान करने आया है। उसने हवा की तरह गलती नहीं की बातें करके, उसे पता था इसको क्या बोलना है। उसने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदावन के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा, और वो चला गया। He knows। You know, हवा ने बातें की, जीसस ने वर्ड कहा। किसी के प्रति नकारात्मक न बने, किसी के प्रति नेगेटिविटी न रखे। याद रखिए सामने वाला फालूदा खाएगा आप खराब हो जाओगे, आप खुदा से दूर हो जाओगे। लर्न टू बी अ हम्बल पर्सन, एक नम्र व्यक्ति बने, बाहर से न बने अंदर से बने। आमीन। तो कितने लोग आज से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, हथियार है क्या? आप चाहते हैं हम दो मिनट और बात करें, चलेगा? ओके, सब यहां देखिए, मेरे मन में आई ये बात। यू नो, जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो कलाम पाक कहता है हम उसके द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं।